हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो मुसलमान का चोला पहनकर और मुसलमान के लिए गड्ढा खोदे। आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट जो था वो नत्थूराम गोडसे था, नत्थूराम गोडसे था, और उनके सपोर्टर ये लोग हैं। तो इनसे यही होगा, ये अपने बी टीम तैयार करेंगे। आरएसएस, ओवैसी, मीम का जो राजनीति है यहाँ पे कभी नहीं करते हैं। तो दिलीप घोष और इनके तमाम टीम को जो है मैं कोयला कहता हूँ, और कोयले को धोने से कभी साफ नहीं, कोयला का रंग कोयला ही रहता है हमेशा। उसी तरह से इन अदर वर्ड्स ओवैसी भी जो है वो बीजेपी का बी टीम है, ये साबित हो चुका है। ये गुलाम रब्बानी की आवाज़ नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की। मुझे इसमें फ़ख्र है कि मैंने पब्लिक के सामने में सच रखा था कि ओवैसी अगर बंगाल में आएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। ये मैंने गलत नहीं कहा था, आज ही मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय आप मुसलमान के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। नमस्कार आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ जो ख़ास मेहमान है उनकी तारुफ मैं आपको करा दूँ। एक सोशल एक्टिविस्ट है जो लगातार मुसलमानों के बीच रहते हैं और एक मुस्लिम समाजी कारकुन है। उनसे जानेंगे कि इस बार MIM ने तो बंगाल में एंट्री कर लिया तो फुरफुरा शरीफ से, इसके बाद इनका क्या कहना है, क्या इसे ये किस तरह से देखते हैं, क्या MIM बंगाल में मुस्लिम के वोट बटोर पाएगी, इन पर क्या कहना है आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मशरिक न्यूज़ का खैर मकदम है, और जैसे कि अभी आपने कहा कि MIM को लेकर जिन ओवैसी साहब हैं, तो MIM जो है अपना परचम लहराना चाह रही है बंगाल में। इसके पहले बिहार में लहराई थी और उसके पहले हैदराबाद में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली हैदराबाद में GHMC होता है आपका ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन, उसमें उनका कैसा प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन हम लोग सभी देख रहे हैं। वहाँ पे वो अपना परचम लहरा नहीं पाई है, जहाँ से ये ओरिजिन करता है। तो वहाँ पे ये ओवैसी साहब का जो पार्टी है मीम पार्टी, तो उन्होंने वहाँ पे वो परचम नहीं लहराया अपना। तो वहाँ के जब हमने सर्वे किया है, हमने लोगों से, बहुत लोग हमारे जान पहचान के लोग वहाँ हैं, हमने उनसे पूछा था कि वो लोग का वहाँ पे वादा था कि हैदराबाद की किसी भी गली में वो वाटर लॉगिंग नहीं होगा। उनका ये मेन मुद्दा था, एजेंडा था इलेक्शन लड़ने का ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन में, जिसका प्रदर्शन मीम का बहुत ही बदतर और ख़राब रहा है। वो इसलिए कि उन्होंने भी मोदी जी की तरह वादा किया था कि हम लोग जो है वाटर लॉगिंग होने नहीं देंगे वहाँ पर, लेकिन अभी भी वाटर लॉगिंग का वहाँ पर परचम लहरा रहा है। वाटर लॉगिंग अभी भी गली गली में हैदराबाद का है। उन्होंने कहा था कम से कम 1000 नौकरी हम लोग देंगे, 1000 नौकरी। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम लोग देंगे एक साल में। ओवैसी साहब और उनकी टीम ने कहा था कि हम लोग 1000 नौकरी देंगे एक साल में, जहां पे उन्होंने 50 नौकरी भी नहीं दिया है, 50 नौकरी भी जो है यूथ को नहीं दिया है। तो इन अदर वर्ड्स, जैसे मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हम लोग साल भर में देंगे, और ओवैसी साहब की टीम ने कहा था, ओवैसी साहब ने कहा था कि हम लोग 1000 नौकरी देंगे साल में, तो उन्होंने 50 नौकरी भी देने में वहाँ पर नाकाम रहे हैं। ये हो गया उनका फेलियर ऑफ ओवैसी एंड टीम इन हैदराबाद, जहाँ से वो ओरिजिन करते हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जहाँ से वो सांसद हैं ओवैसी साहब। अब आते हैं बिहार इलेक्शन में। बिहार इलेक्शन में उन्होंने 5 सीट वहाँ से हासिल किया है। 5 सीट हासिल करने में उन्होंने बीजेपी को बैकडोर से सपोर्ट कर दिया ताकि बीजेपी वहाँ सरकार बना ले। अब वो लोग आ रहे हैं बंगाल में। ओवैसी साहब का इंटरव्यू मैंने सुना था, तो ओवैसी साहब का इंटरव्यू मैंने कहा था कि उनसे एक मीडिया हज़रात पूछ रहे थे कि आप बंगाल में क्या करने आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत साफ अल्फाजों में कहा था कि हम बंगाल में, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, बंगाल में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और CM की कुर्सी का हिस्सेदार बनाएंगे हर लोगों को। ये उनका पहला जुमला रहता है कि हम लोग CM का कुर्सी का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं मुसलमान को। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, वो हम और आप सभी जानते हैं, हम और आप सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष की आवाम जानती है कि इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे आप दाढ़ी और टोपी रख कर पॉलिटिक्स करने आएंगे तो आप मुसलमान को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप गेरुआ कपड़ा पहनकर अगर आप पॉलिटिक्स करने आएंगे तो आप जो है हिंदुइज्म को आप सपोर्ट करेंगे, हिंदुइज्म को प्रमोट करेंगे। तो भारतवर्ष में जब से हमने जन्म लिया है तब से हमने यही देखा है कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष को एक सेक्युलर कंट्री माना गया है, जहाँ पे ना हिंदू राष्ट्र है ना मुसलमान राष्ट्र है। तो आज के डेट में भी यूथ को, माँ बहनों को, बड़े बुज़ुर्गों को, स्टूडेंट्स को, किसी को भी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मुसलमान राष्ट्र नहीं चाहिए। हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो मुसलमान का चोला पहनकर और मुसलमान के लिए गड्ढा खोदे। हमको ऐसा लीडर भी नहीं चाहिए जो हिंदुइज़्म को बदनाम करे, जैसे आज मोदी जी और उनकी टीम हिंदुइज़्म को बदनाम करती है। मोदी जी कहते हैं कि हिंदुइज़्म कोई धर्म है ही नहीं।
मोदी जी कहते हैं कि मैंने कभी पढ़ाई लिखाई किया नहीं है, लेकिन उनके जो सेकंड इन कमांड है अमित शाह, वो बोलते हैं कि अमित शाह मोदी जी जो है बीए और एमए किए हुए हैं। तो ये किस तरह का लीडरशिप हमारा भारतवर्ष देख रहा है। और शर्म की बात ये है कि ये लोग जो है हर जगह में इलेक्शन लड़ रहे हैं हिंदू और मुस्लिम को एजेंडा बनाकर कि हमको बाबरी मस्जिद और राम मंदिर और हिंदू और मुस्लिम गाय गोबर लव जिहाद ये सब को लेकर आज यहाँ पे हर जगह पे भारतवर्ष में इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी और मीम पार्टी। एक सवाल बार बार आ रहा है कि जब भी इलेक्शन आता है मैं मुस्लिम खतरे में है बीजेपी की तरफ से आता है कि हिंदू खतरे में है। दिलीप घोष ने यहाँ तक कह दिया कि हिंदू खतरे में है, युवाओं हथियार उठाओ। तो और ओवैसी साहब बार बार कह रहे हैं मुस्लिम खतरे में, आप एक मुस्लिम समाज में काम करते हैं लगातार आपको देखा गया, क्या मुस्लिम वाकई में खतरे में है? देखिए मैं दिलीप बाबू को ये कहना चाहूँगा कि आपका जो पार्टी है आपका जो चेहरा है वो कोयला का तरह है, ठीक है। कोयला को आप जितने भी अगर आप साबुन से धोएं, सर्फ से धोएं, निरमा से धोएं, डिटॉल से धोएं, अच्छा से वॉश कर दें, सैनिटाइज कर दें, कोयला कोयला ही रहता है, कोयला का रंग कहीं बदलता नहीं है। तो अगर वो हिंदुज़म का ठेका लेकर रखे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था दिलीप बाबू का कि उन्होंने ये कहा था कृष्णनगर के हिंदुओं के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, कृष्णानगर के हिंदुओं के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्णानगर से बीजेपी जो है हर इलेक्शन में हारती हुई आई है और हिंदुओं ने उनको वहाँ से रिजेक्ट किया है। तो वो क्या हिंदुज़म का ठेका लेकर रखे हैं कि हिंदू भाइयों के लिए लड़ेंगे वो कि मुसलमान भाइयों के लिए लड़ेंगे? जिस तरह से ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम मुसलमान का ठेका लेकर रखे हैं कि मुसलमान को हम लोग सीएम का कुर्सी का हिस्सेदार बनाएंगे, तो ऐसा लीडरशिप हिंदुस्तान में, बंगाल में और किसी भी स्टेट में नहीं चाहिए, कोई यूथ नहीं चाहेगा। और दिलीप बाबू जैसा कहते हैं कि हथियार उठा ले, औजार उठा ले, तो ये स्वाभाविक चीज़ है कि उनके मुंह से यही निकलेगा, क्योंकि वो जो है सपोर्ट करते हैं गांधी जी को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो लोग जो है नथुराम गोडसे को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का मर्डर किया था, उनको वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो हथियार कौन उठाने की बात करेंगे? नथुराम गोडसे के सपोर्टर जो हैं वही तो हथियार उठाएंगे। आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट जो था वो नथुराम गोडसे था और उनके सपोर्टर ये लोग हैं। तो इनसे यही होगा, ये अपने बी टीम तैयार करेंगे, आरएसएस, ओवैसी, मीम, ये लोग बी टीम रेडी करेंगे और ये सब करके जो है मुसलमान के वोट को बांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना मैं कह दूं कि केरला हो और जितने भी बंगाल जैसे यहाँ पे सिविलाइज लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे लोग जो हैं कभी भी जो है हिंदू और मुस्लिम का जो राजनीति है यहाँ पे कभी नहीं करते हैं। तो दिलीप घोष और इनके तमाम टीम को जो है मैं कोयला कहता हूँ और कोयले को धोने से कभी साफ नहीं, कोयला का रंग कोयला ही रहता हमेशा। आपने एक बात कहा कि आरएसएस और ओएसी सेम है, ये कैसे? देखिए बीजेपी का जो बी टीम है वो अभी आम हो गया है, वो समझ गया था। पहले हम लोग भी दो राय में थे कि बीजेपी का कोई अलग भी टीम है, बीजेपी का एक टीम है आरएसएस, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बीजेपी को बैक करता है, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद, वो बीजेपी को बैक करता है। उसी तरह से इन अदर वर्ड्स ओवैसी भी जो है वो बीजेपी का बी टीम है, ये साबित हो चुका है। ये गुलाम रब्बानी की आवाज़ नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की आवाज़ है। जो मैं कह रहा हूँ कि सभी कह रहे हैं कि मीम पार्टी और ओवैसी जो हैं वो अभी अपना परचम जो है पूरे हिंदुस्तान में लहराने के काबिल नहीं है। तो आप जो अभी यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, हर स्टेट में जाकर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि आप अगर इलेक्शन लड़कर अगर मुसलमान के अगर एक सीट भी अगर आप ले लेते हैं तो वहाँ पे और भी जो पार्टी जो मुसलमान के हित में काम कर चुकी है जितने भी मुसीबत के वक्त में, तो उनके वोट तो आप काटेंगे, कुछ फीलिंग्स में मुसलमान आके वोट आपको दे देंगे। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप इन अदर वर्ड्स मुसलमान के लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं। ये सच्चाई जब मैंने बयान किया था एक मीडिया हजरात के सामने में, तो ओवैसी की पूरी टीम जो है मेरे खिलाफ, फिराद हकीम के खिलाफ, सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ उन्होंने एक वीडियो बना दिया। तो सच बोलने का कीमत तो हर कोई चुकाता है, तो आज मैंने भी चुकाया है, लेकिन मुझे इसमें फ़ख्र है कि मैंने पब्लिक के सामने में सच रखा था कि ओवैसी अगर बंगाल में आएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। ये मैंने गलत नहीं कहा था, ये आज ही मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय आप मुसलमान के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। नड्डा जैसे गड्ढा खोद रहा है हिंदुओं के लिए वैसे कर रहा। अगर आपको अगर सही माने में अगर भारतवर्ष का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी बौद्ध जैन दलित इकाई का अगर बात करेंगे, उनको मुद्दा रखकर बात करेंगे, तो आपको पहले अपना चोला बदलना होगा। क्योंकि जब कोई भारतवर्ष का यूथ आपकी तरफ देखेगा तो ये नज़र नहीं आना चाहिए कि ये जो है मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो है हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो है क्रिश्चियन का रिप्रेजेंटेटिव है। उनको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हिंदुस्तान और सेक्युलर भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, न कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये भारत को विभाजन और भारत को डिवाइड करने का कोशिश है ये वाला। एक आखिरी सवाल, वही साहब ने कहा कि ममता बनर्जी जो है गुजरात के 2002 के दंगे में शामिल,
क्या कहें, ममता बनर्जी को मुसलमानों को मारने का आरोप लगाया है। देखिए ये सरासर गलत बात है, मनगढ़ंत बात है, और ओवैसी साहब एक बैरिस्टर होकर ये कैसे कह सकते हैं। तो ये मैं मशरिक न्यूज़ से कहूँगा कि एक बार ज़रूर से उनका इंटरव्यू लें और पूछें कि गुलाम रब्बानी ने आपसे सवाल किया है कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं गुजरात दंगे में मोदी जी का हाथ था कि ममता बनर्जी का हाथ था, ममता बनर्जी का हाथ था कि मोदी जी का हाथ था, तो वो आप साबित हो चुका है क्योंकि ये लाखों हज़ारों वीडियोस हम लोगों ने ऐसा देखा है, सभी आवाम ने देखा है कि उसमें साबित हो चुका है कि उसका मेन जो कल्प्रिट था वो मोदी जी और उनका टीम था, क्योंकि उस वक्त मोदी जी वहाँ का सीएम थे जब गुजरात का दंगा हुआ, तो मोदी जी वहाँ के सीएम थे ना, कौन थे वहाँ का सीएम उस टाइम, मोदी जी थे, तो उनका जिम्मेदार कौन होता है। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुआ था तो उस टाइम में भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था, पीवी नरसिम्हा राव, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है, नरसिम्हा राव के ऊपर जाती है कि आज जो बाबरी मस्जिद में शहीद किया गया तो उसका 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 जो नारियल टूटेगा किसके सर के ऊपर टूटना चाहिए, नरसिम्हा राव उनकी टीम या ममता बनर्जी के ऊपर में। तो उसी तरह से अगर मैं कहूँगा कि एक तरह से आप जो ये जो बात कह के जो आप मुसलमान को यहाँ भड़काने का काम करें ना करें, आप यहाँ आए हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी है, आपके ऊपर में राइट है, आपको आपको इसका संविधान में हक दिया गया कि आप इलेक्शन लड़े, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन लड़े। आपने किस स्टेट में, मैं ओवैसी जी और उनकी टीम से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि आप किस स्टेट में कितना डेवलपमेंट आप लोगों ने मुसलमान कौम के लिए किया है, मैं सिर्फ मुसलमान की बात कर रहा हूँ, आपने मुसलमान के लिए कितना डेवलपमेंट किया है, कितना नौकरी उन लोगों को दिखाया है। आप बोलते बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं काम नहीं होता, काम और नाम दोनों एक साथ होना चाहिए। आपका नाम बहुत है, काम कुछ नहीं है, ये आज भारत की जनता, भारत की आवाम देख चुकी है, जिसका जवाब जो है आपको 2021 में बीजेपी को और मीम को, और मीम को बैक करने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को 2021 की इलेक्शन जो आने वाली है, होने वाली है, उसमें भारत बंगाल की जनता जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, ये पक्का वादा है गुलाम रब्बानी का।